दिस वीडियो इज को स्पॉन्सर्ड बाय अबुदय पाइल्स हॉस्पिटल। इतवारी में एक सराफा की दुकान में खरीदारी के बहाने कान की बालियां चोरी करने वाले समधी समधन को तहसील पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर चोरी के अनेक मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई। अलग अलग शहरों में जाकर आरोपी सराफा की दुकान में चोरी करते हैं। पकड़े गए आरोपियों में गंगाघाट उन्नाव यूपी निवासी सतीश राम स्वरूप सोनी रानी संतोष कुमार सोनी का समावेश है। पुलिस ने इतवारी निवासी उत्तम वेंकटेश सावरकर की शिकायत पर मामला दर्ज किया। उत्तम सराफा व्यापार बाजार में सावरकर ज्वेलर्स चलाते हैं। विगत 10 जून को दोपहर में दोनों आरोपी उनकी दुकान पर आभूषण खरीदने के बहाने आए। काफी सारे जेवर देखने के बाद कुछ भी खरीदे बगैर लौट गए। बाद में सावरकर ने गहनों की गिनती की तो 6 ग्राम कान की बालियां गायब थी। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर दोनों चोरी करते दिखाई दिए। के एरिया में इतवारी टांगा स्टैंड सराफा बाजार में सावरकर ज्वेलर्स है। यहाँ पे तारीख 10 जून 2023 को दोपहर को 1:30 बजे के आसपास एक जेंट्स और एक महिला कुछ कान के झुमके खरीदी करने के इरादे से ज्वेलर्स के अंदर गए। फिर बाद में वो वहाँ से खरीदी न करते हुए चले गए। जब ज्वेलर्स वाले ने अपना ज्वेलर्स का सामान चेक किया तभी उनको मालूम पड़ा कि 6 ग्राम के झुमके जिसकी कीमत 36,000 थी वो वहाँ से गायब है। फिर वो जैसे वारदात की मालूम करने के लिए थाने में आए, उनका हमने तुरंत FIR रजिस्टर किया। हमारे DB टीम को हमने पूरा जानकारी देने के बाद में CCTV फुटेज के माध्यम से हमने पूरा चेक किया और सिर्फ 4 दिनों के अंदर हमने 2 अपराधियों को जिसमें एक महिला और एक पुरुष है दोनों अपराधियों को हमने अरेस्ट किया और उनके पास से हमने जो चोरी हुए हुए झुमके बरामद किए हैं वो अपराधी का नाम है, एक का नाम है रानी देवी संतोष कुमार सोनी और दूसरा है सतीश राम स्वरूप सोनी। दोनों उत्तर प्रदेश के गंगाघाट जिले के गांधीनगर प्रेम नगर इस इलाके के रहने वाले हैं और ये इनका क्राइम रिकॉर्ड निकालने के बाद में मालूम पड़ा कि वो जो रानी देवी उनके खिलाफ इससे पहला भी ऐसे दुकान में जाके चोरी करने के बहुत सारे गुने अपराध रजिस्टर है। दोनों माल हमने बरामद करके दोनों आरोपियों को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के सामने पेश करने के बाद में उनको जमानत में अभी छूटे हैं। ये दोनों जो महिला और पुरुष है दोनों ये रिलेशन में समधी है और दोनों मिलके ये चोरी का बहुत सालों से चोरी करते हैं। जैसे ज्वेलर्स में या कोई दुकान में जाके खरीदी के बहाने में जाके वहाँ पे लोगों को उनका नज़र झुका के चोरी करने की वारदात करते हैं और हमने हमारे DB टीम ने माननीय DCP जोन 3 सर और हमारे सीनियर PI पाटिल सर और हमारे मार्गदर्शन से DB टीम ने हवलदार साहू और NPC शंभू इनकी टीम ने ये ऐसे शातिर अपराधियों को 4 दिनों के अंदर पकड़ में लाके पूरा चोरी किया माल बरामद किया है। एक अच्छा डिटेक्शन हमारी टीम ने किया है। महाराष्ट्र TV 24 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आचल लोखंडे नागपुर। Are you looking for best coaching institute? Then come to ANS Academy. Answer to all your dreams. Co-founder and director of ANS Academy, Mr. Nihal Shahare and Mr. Jay Edlivar provides you best teaching methods. IITG, Main plus Advanced, NEET, MHT, CET plus 11th or 12th, 8th, 9th, 10th Foundation. MHT CET crash courses. Choosing ANS Academy is best thing for students. We provides monthly career counseling, monthly online test, 24/7 doubt clarification, batch size 30, experienced faculties, pick and drop nearest metro, residential facility also available. Let's achieve your dreams together.